जया, अगली खबर कांग्रेस की है जी। क्या बता रही हैं आप हमें? बड़ी इंपॉर्टेंट सीईसी की बैठक है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि कांग्रेस की 19 सीटें, माफ करेगा, अभी बाकी है जहां प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है और इन्हीं सीटों पर मंथन लगातार दिल्ली में चल रहा है। होल्ड सीटें हैं कांग्रेस की जिस पर मंथन हो रहा है। आपको जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश में अभी एमपी में सिर्फ 10 उम्मीदवार ही कांग्रेस ने घोषित किए हैं, 19 सीटें बाकी हैं। अब इन 19 सीटों पर कौन सा प्रत्याशी उतारा जाए जो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सके, उसी को लेकर मंथन हो रहा है। लेकिन संभावित उम्मीदवार जल्दी से आपको बता देते हैं। तो देखिए, आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो संभावित उम्मीदवार है इन 19 सीटों पर जिनको लेकर लगातार मंथन हो रहा है और किन्हीं एक पर पार्टी बिल्कुल। और इसी बीच में सूरज हमारे साथी सीनियर पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट जुड़ गए हैं। सूरज, क्या अपडेट है आपके पास? नाम हम लगातार स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे हैं जो संभावित उम्मीदवार, क्या संभावित, क्या ऑलमोस्ट तय ही है, क्या कहेंगे? कब तक सूची सामने आ रही है? सीईसी की बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है दिल्ली में। बिल्कुल सर जी, 15 तारीख को कांग्रेस की सीसी की बैठक है और नामों का पैनल ही बन चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में अभी भरोसे का बड़ा संकट है और यही कारण है कि जो 19 नाम बचे हुए हैं उनमें 2 से 3 नामों का पैनल बना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से हम देखें लगातार टूट पड़ती जा रही है, इसके चलते आलाकमान जरूर चिंतित है कि आखिर ऐसा ना हो कि हम किसी व्यक्ति को टिकट दें और वो बीजेपी छोड़ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाए। शायद यही कारण है कि 19 सीटों पर लगातार मंथन किया जा रहा है और कह सकते हैं कि बहुत भरोसे में लेकर ही नेताओं को टिकट दिया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार चाहे इंदौर से संभावित दावेदार थे वो कांग्रेस में आ चुके हैं। आज माना जा रहा है जो पिछले बार लोकसभा प्रत्याशी रहे पंकज संघवी वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जबलपुर की बात करें तो संभावित उप प्रत्याशी थे जगत बहादुर अन्नू वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो चाहे जबलपुर हो, ग्वालियर हो, भोपाल हो, इंदौर, उज्जैन, बालाघाट, तमाम ऐसी सीटें हैं जहाँ पर लगातार मंथन किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि कमी एक ही चीज़ की है कि भरोसे की जी। यही बॉटम लाइन है सूरज, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भरोसा 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 भरोसा, बहुत शुक्रिया आपका। तो भरोसा होगा तो सब कुछ संभव है, भरोसा नहीं है तो चुनौतियां और कठिनाई। अगली खबर।